हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबको आज का ये वीडियो पे आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के लिए जो लोगो होता है ये कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस, जो लोगो होता है वो आपका चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। आपके चैनल में एक प्रोफेशनल लोगो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप वीडियोज़ डालते हो, मान लीजिए कोई न्यू व्यूअर आपकी वीडियोज़ को आज देखा, तो वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वीडियो अपलोड करोगे तो उसके पास अगर सजेशंस में जाएगा तो वो आपके चैनल लोगों से जो है पहचान जाएगा कि हाँ, इस बंदे का वीडियो मैंने पहले भी देखा हुआ है। तो उसी तरह से दोस्तों, आप लोगों ने अगर नया चैनल क्रिएट किया है या फिर आपका चैनल पहले से है और आपने अभी तक एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो नहीं लगाया है, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से ओनली 5 मिनट में बताऊंगा कि कैसे आप लोगो बना सकते हो अपने चैनल के लिए। और उस लोगो को अपने चैनल पर आप हमेशा के लिए रखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका चैनल का एक जो है उससे बनता है नाम, ठीक है, पहचान। तो इससे क्या होता है कि सब कोई पहचान जाते हैं कि आप ही का चैनल का ये वीडियो है। जैसा कि मेरा आप चैनल का लोगो देख रहे हो, ये लोगो मैंने जो है स्टार्टिंग से ही यही लोगो रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो ओनली 5 मिनट में, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को जो है मैं लोगो बनाना सिखाऊंगा। ये बताऊंगा आज कैसे कि आप पिक्सआर्ट से कैसे लोगो बना सकते हो, ठीक है। आप लोग को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट, जो कि लोगो आप देख सकते हैं ये है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा। तो पिक्सआर्ट से मैं बताऊंगा कि लोगो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ से आपको पिक्सआर्ट को जो है ओपन करना है। देन आपके सामने कुछ ऐड आ रहा है, तो इसको पहले मैं कैंसिल करता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों, आपको जाना है नीचे, ठीक है, और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड चूज़ करना है, जो कि देख सकते हो बहुत सारा कलर वाला बैकग्राउंड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको जो है सिंपली से वाइट बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। आप जो बैकग्राउंड चाहे उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ से आपको जाना है टूल्स के ऊपर। देन आपको यहाँ से एक साइज जो है क्रॉप के ऊपर जाना है, और साइज पर आपको स्क्वायर साइज को ले लेना है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर, मतलब कि चारों तरफ से बराबर। उसके बाद इसको स्क्वायर पर लेने के बाद इसको कर देना है ओके। अब ये जो है मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, आपको जाना है टेक्स्ट के ऊपर, और आपका चैनल किस नाम से है उस नाम को यहाँ से टाइप करना है। नाम टाइप नहीं करना, सिर्फ आपका फर्स्ट लेटर को टाइप करना है। जैसे कि मेरा नाम है मनोज दे मेरे चैनल का, तो मेरा फर्स्ट में आता है एम, तो मैं यहाँ से एम डायल करूँगा, प्रेस करूँगा। देन एम लेने के बाद आपको जो है यहाँ से फॉन्ट मिल जाता है बहुत सारा, तो सिंपली से आपको जो है स्टार्टिंग वाला फॉन्ट आता है उसी को लेना है। देन आपको यहाँ कलर पे ले लेना है ब्लैक। मैं ऐसा बनाकर दिखा रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप जैसा चाहे अपने मन मुताबिक लोगो बना सकते हो, मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने एम सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस तरह से घुमा दूंगा, ठीक है, लोगों को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए। और इसको ले लूँगा मैं यहाँ पर साइड पर, यहाँ पे मैंने ले लिया। और मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों, आप जब अपना बनाओगे तो थोड़ा सा केयरफुली बनाना टाइम दे करके। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों, मेरा चैनल पे आता है मनोज दे, अब आएगा डी, तो मैं लूँगा कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी। यहाँ से मैंने ले करके ओके कर दिया, और इसके भी फॉन्ट को सबसे फर्स्ट वाला फॉन्ट को ही मैं लगाऊंगा, और इसमें कलर को मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। तो चलिए मैं इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये या ये दोनों ही सेट अच्छा है। तो इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, एम वाले साइज के बराबर मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। तो ये अभी मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ फ्रेंड्स, ये जो है मेरा बराबर साइज हो गया। अब मैं इसको साथ यहाँ पे सटा दूंगा, तो ये थोड़ा सा देखने में हो गया एट्रैक्टिव। अब दोस्तों, मैं यहाँ से एक कट लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे ओके करूँगा। अब कट लगाने से क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाएगा। तो इसके लिए जो दोस्तों, मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आपको जाना है ड्रॉ के ऊपर। ड्रॉ के ऊपर जा करके गाइज, यहाँ से ड्रॉ, देन यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट करना है, जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वही कलर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा व्हाइट है, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा व्हाइट बैकग्राउंड। देन यहाँ से कर दूंगा ओके। थोड़ा सा इस वीडियो को केयरफुली देखिए, आपका चैनल के लिए हमेशा एक बार थोड़ा टाइम दीजिएगा, आपका हमेशा के लिए ये लोगो जो है रह जाएगा। व्हाइट बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों, यहाँ से सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद मैं यहाँ से ले लूँगा ये वाला पावर वाला, ठीक है, ये थोड़ा देखने में अच्छा है। और इसको फिल कर देना है, स्ट्रोक नहीं, फिल पे रखना, फिल पे वाइट हो जाएगा, ओके कर देना है। देन आप जहाँ से इसको प्रेस करके खींचोगे नीचे, तो ये जो है कट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार सिलेक्ट करने के बाद इस तरह हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। पतला करने के बाद दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रोटेट कर दूंगा, और देन इसको मैं यहाँ से कट लगाने के लिए, आप जहाँ चाहे वहाँ पर कट लगा सकते हो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर कट को ओके करके कर दूंगा ओके।
तो अभी आप देख सकते हो एम एंड डी के बीच में एक कट आ चुका है जो कि देखने में आपके लोगों को बना देता है प्रोफेशनल। अब दोस्तों लोगों का काम हो चुका है, अब यहाँ से आपको टेक्स्ट में जाना है और एक बार क्या करना है आपके चैनल का फुल नाम लिख देना है जो भी है, जैसा कि मेरा मनोज दे, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा मनोज दे और देन इसको ओके कर दूंगा और इसके कलर को कर देना है ब्लैक, जो फर्स्ट लेटर का कलर होगा वही कलर रहने दीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में। और इसको दोस्तों यहाँ से स्ट्रोक पे जाने के बाद इसको भी कर दीजिए ब्लैक और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करके, लोगों से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से इसके नीचे में रख देना है। तो दोस्तों ये हो चुका है लोगो कंप्लीट, अब आपको क्या करना है ओके करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ थोड़ा देखते रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको एक बार ड्रॉ में जाना होगा ठीक है, ड्रॉ में जा करके यहाँ से आपको ब्लैक बैकग्राउंड ही रहने दीजिएगा, शेप में जाइएगा और सर्कल ले लीजिएगा, सर्कल में स्ट्रोक में रहने दीजिएगा ओके करके और इसको एक गोल सर्कल से इसको लगा देना है ताकि ये लोगों के कटिंग में आ जाए ठीक है। ये गोल मैंने एक सर्कल ले लिया और इसको यहाँ से रख दिया, अब इसको मैं कर दूंगा ओके ठीक है, ये गोल सर्कल आ गया। अब दोस्तों यहाँ से एक बार आपको जाना होगा टूल में, टूल में जाने के बाद जाना है एक बार शेप क्रॉप, शेप क्रॉप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से सर्कल वाला शेप लेना है और इसको जो है आपके लोगों को जो है क्रॉप कर देना है कुछ इस तरह से ठीक है, क्रॉप करके ओके। आप देखिए ये जो है सेव कर दीजिए, ये बैकग्राउंड जो है आपका हो जाएगा ख़त्म, सिर्फ आपका लोगो ही बन के रहेगा और इसको सिंपली से एरो के ऊपर प्रेस करना है एंड फ्रेंड्स इसको जो है आपके फ़ोन के गैलरी पे सेव कर लेना है। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लोगो किस तरह से बन चुका है और आप लोग बताना कैसा है और लोगो किस तरह से बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो मेरा लोगो हो चुका है तैयार। तो गाइज अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव लोगो मैंने एक बना लिया है, ओनली 5 मिनट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो इस तरह से आप अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाइए और अपने चैनल पे जाकर के इसको सेट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखा आप लोगों ने किस तरह से आप आसान तरीके से लोगो बना सकते हो, तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।